नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर रात को 8 बजे डेली आपका हिंदी का टेस्ट होता है, जो कि UPSSC जूनियर सेशन साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी के छात्रों के लिए जो जिन्होंने फॉर्म भरा है बहुत उपयोगी यहाँ पर टेस्ट होते हैं। दोपहर 3 को GK का टेस्ट होता है, जिसमें UP करंट ट्रेडिशनल GK सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, तो ध्यान रखिएगा दोपहर 3 बजे रात को 8 बजे। और यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, यहाँ पर प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, यहाँ पर बताना है प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों तो प्रत्येक, जैसा कि आप जानते हैं उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले रखकर उसकी परिभाषा को बदल देता है, अर्थ को बदल देता है। तो प्रत्येक में ऑप्शन आपका बी है, प्रति है, ठीक है। यहाँ पर आप जानते हैं ये UPSSC लोअर PCS में भी प्रश्न आ चुका है, प्रत्येक का उपसर्ग क्या भैया, प्रति है। चलिए वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, अगर हम वैज्ञानिक शब्द में बात करें तो विज्ञान से क्या बना है, वैज्ञानिक बना है। और यहाँ पर देखिए क्या लगा है, इक लगा है, ठीक है, इक लगा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, विज्ञान मूल शब्द है और इसमें देखिए इक प्रत्यय है, जिससे ये होगा, ठीक है। जैसे शाब्दिक की अगर हम बात करें, शब्द धन इक शाब्दिक आंशिक, इस प्रकार से ये वैज्ञानिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, यानी कि कोई एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ यहाँ पर नहीं है। अगर हम बात करें कनक 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 धतूरा सोना, तो हो अनंत भी है, महावीर भी, हत्या भी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जिसके अनेकार्थी नहीं है वो है हत्या, ठीक है। हत्या का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कनक की बात करें तो सोना धतूरा गेहूं भी होता है, अनंत मतलब आकाश भी होता है, ईश्वर है, विष्णु, कई चीज़ें होती हैं। महावीर का मतलब हनुमान, बहुत बलवान, जैन तीर्थकर महावीर को कहा जाता है ये। तो यहाँ पर हत्या यहाँ पर नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो ऐसा शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है वो देशज कहलाते, जैसे खटिया हो गया, लोटा हो गया, ये सारे चीज़ हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो देशज शब्द नहीं है वह है आपका सांझ, ठीक है। सांझ क्या है, ये एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है साम, ठीक है। बाकी ये पगड़ी, लोटा, ठेठ, ये सारी चीज़ें देशज है। पाँचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में तद्भव है, आपको बताना है तद्भव क्या है भाई, गांव, अमृत, उच्च, एकत्र। तो यहाँ पर देखिए जो तद्भव है दोस्तों, गांव, गांव का तत्सम ग्राम होता है ना भाई, गांव का तत्सम ग्राम होता है। बाकी यहाँ पर देखिए अमृत, उच्च, एकत्र, ये सारे तद्भव नहीं है, तत्सम है, ठीक है, ये तत्सम है। अमृत का अगर तद्भव की बात करें तो अमी होता है, उच्च का बात करें तो ऊँचा होता है, ठीक है, और एकत्र का तद्भव बात करें तो इकट्ठा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है मक्खी, तो दोस्तों मक्खी का तत्सम रूप मच्छिका होता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ऐसे उपयोगी डेली वीडियो आपको मिलती है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि जितने भी मैं हिंदी के टेस्ट आपको कराता हूँ, पूरे के पूरे अगर आप टेस्ट देखेंगे तो 60 प्रश्न जो आपके हिंदी के आएंगे, 50 प्लस प्रश्न मेरे वीडियोस मिलेंगे और आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। एग्जाम्पल आपका UPSSC लोअर PCS है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिले थे। जिन छात्रों ने एग्जाम दिया कमेंट जरूर करेंगे कितने क्या कैसे था। सातवां प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, यहाँ पर देखिए सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में आपको काल बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये तो गा रहा था, ये आप समझ गए होंगे कि ये भूतकाल का है, लेकिन भूतकाल में भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो सुरेश गीत गा रहा था, भूतकाल में ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस चल रहा था, तो यहाँ पर क्या है, एक अपूर्ण भूत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपूर्ण भूत हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है, ठीक है। तो आम खाया जाता है दोस्तों में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए क्या है, कर्मवाच्य है, ठीक है। आम खाया जाता है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये कर्मवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए नौवां प्रश्न क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए संयुक्त वाक्य का चयन यहाँ पर करना है, देखिए काम समाप्त करो और जाओ, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, ये एक संयुक्त वाक्य है, क्योंकि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पर और लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका ही पहचान है, तो यहाँ पर क्या होगा, काम समाप्त करो और जाओ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्यय है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको अव्यय बताना है, प्रश्न संख्या 10 देखिए, दसवां प्रश्न क्या कह रहा है, अव्यय बताना है। तो यहाँ पर अव्यय दोस्तों आपका और है, ठीक है, ये अव्यय का काम कर रहा है, ठीक है, ये है इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, चलिए भाई निरुनासिक, निरुनासिक, छिंद्रान्वेषय, गत्यर्थ, अंतश्चेतना, ठीक है, किसकी अशुद्ध वर्तनी है, यहाँ पर आपको बताना है। सही जवाब है छिंद्रान्वेषी, ये अशुद्ध लिखा गया है दोस्तों, जबकि छिंद्रान्वेषी इस प्रकार से लिखा जाता है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, देखिए ये है आपका छिद्रान्वेषी, ठीक है, ये वाला सा षटगोड़ वाला सा होगा, ठीक है, ये होता है, ये होता है ना कि ये वाला आपका स होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है।
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म कृति और कृति का उचित अर्थ युग्म बताना। पहले तो कृति है, दूसरा कृति है। तो यहाँ पर देखिए कृति का मतलब देखें, जैसे कि आप जान सकते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या है, कृति मतलब रचना और कृति मतलब निपुण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रचना निपुण, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिग्भ्रम उदाहरण है, दिग्भ्रम उदाहरण है किसका उदाहरण है, विसर्ग का है, आयादि है, व्यंजन या यण संधि, यण स्वर संधि। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दिग्भ्रम क्या है, एक व्यंजन संधि है, और दिग्भ्रम अगर हम बात करें इसका संधि विच्छेद करें तो यहाँ पर दोस्तों क्या बन जाएगा, दिक् धन भ्रम, ठीक है, ये बन जाता है ना, दिक् धन भ्रम ये हो जाता है दिग्भ्रम, और यहाँ पर क्या है, एक व्यंजन संधि का उदाहरण हो रहा है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, तो निष्कपट शब्द का दोस्तों ये विसर्ग संधि यहाँ पर काम कर रही है, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, निःधन कपट निष्कपट, ठीक है, ये होता है इसका सही जवाब। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए विराम चिन्हों से यहाँ प्रश्न है, अल्प विराम का चिन्ह है, इसमें से आपको पहचानना है कि अल्प विराम कौन सा चिन्ह है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, ये जो कॉमा लगता है इसको अल्पविराम कहते हैं, जबकि ये प्रश्नवाचक चिन्ह आप देख सकते हैं, ये विस्मयबोधक जो अल्पविराम है और ये पूर्ण विराम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंधे को दीपक दिखाना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ आपको चुनना है। तो अंधे को दीपक दिखाना, जिस प्रकार से अंधे को दीपक दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या है, ना समझ को उपदेश देना, उसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा ना भाई, उसको उपदेश देते रहेंगे आप, वो समझेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ना समझ को उपदेश देना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, एक लोकोक्ति है और इसका अर्थ क्या होगा, देखते हैं कितने छात्र यहाँ पर सही जवाब देते हैं, फटाफट कमेंट करते रहिएगा। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, तवे की रोटी होगा, सभी एक समान सभी श्रेष्ठ या रोटी के प्रकार। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, सभी एक समान, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, सभी एक समान है यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को जो मान्यता प्रदान की गई थी 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) कौन सा भैया, 343(1), ये भी ध्यान रखिएगा, 343(1) के तहत ये भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, और तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा है, कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि हिंदी भारत की राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, बताइए। तो राजभाषा है, आर्टिकल 343(1) के तहत 14 सितंबर 1949 को इसको मान्यता दी गई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों मैंने आपको अ ब छ ये पहले भी बताया हुआ हूँ, मैं जो भी मेरे रेगुलर छात्र यहाँ पर टेस्ट देते हैं वो जानते हैं, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी अ ब छ है, जिसमें से आपके मगही यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये है मगही यहाँ पर नहीं है, ठीक है, जबकि मगही बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है, दोस्तों 20वां प्रश्न देखिए, ब्रज भाषा का उद्भव आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों सही जवाब है सोर सैनी अपभ्रंश से, ठीक है, ब्रज भाषा का उद्भव दोस्तों सोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 देखते हैं क्या करें भाई। यहाँ पर देखिए ये पैरा जंबलिंग का प्रश्न है, तो जैसे एग्जाम में आपका आता है, आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसको ऊपर नीचे क्रम रहेगा, आपको व्यवस्थित करके इसका एक निश्चित अर्थ निकालना है, ठीक है, निश्चित अर्थ बनेगा और दिए गए ऑप्शन में आपको चुनना है, ठीक है। सामाजिक, इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, पहला देखिए आपको ऊपर दिया रहेगा, सामाजिक लिखा रहेगा, उसके बाद य र ल व करके आपका नीचे बैठाना है, उसके बाद लास्ट में ये आएगा, उपाय ही ना कर सकें। तो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों देखिए, सामाजिक क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बनना, य ल र व, ठीक है, ये पूरा एक शब्द पूरा अर्थ निकल रहा है इसका, य ल र व, फिर से मैं बता देता हूँ, सामाजिक क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो र पे जाएंगे, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सकें। तो य ल र व है, इस प्रकार से है। और अगर आपको ये प्रश्न नहीं समझ में आते तो दिए गए ऑप्शन में सभी चारों में से सबको मिला के बैठा लीजिए और देखिए कौन सा निश्चित आंसर निश्चित अर्थ निकल के आ रहा है, वो आंसर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है।
रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की डॉट डॉट केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। अब देखिए रामू की क्या हुई भाई, रामू की दिए गए ऑप्शन में उपेक्षा अपेक्षा क्या हुई ये आप बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए उपेक्षा हुई, ठीक है, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही बैठेगा। 23वें प्रश्न को बढ़ते हैं, देखते क्या कह रहा है। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए, कोई, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, तो कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, कोई मतलब कोई होगा, कोई निश्चित तो नहीं है ना भाई, कोई ना कोई तो होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कार्य कर रहा है, ठीक है, अनिश्चयवाचक, जहाँ कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर कोई होगा तो ये अनिश्चय हो गया, तो यहाँ पर 23 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 24वां देखते हैं, निम्नलिखित में विशेषण है, देखिए आपको विशेषण बताना है, बुढ़ापा समझ शांत लंबाई, ठीक है, तो विशेषण देखिए यहाँ पर क्या है। 24 का राइट आंसर देखिए यहाँ पर शांत क्या है, एक विशेषण कह सकते हैं, वह बहुत ही शांत मन का है, बहुत ही क्रोधित है, उसका क्रोधित व्यक्ति है, शांत व्यक्ति है, तो इस प्रकार से ये क्या है एक विशेषण है और एक गुणवाचक विशेषण शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, ठीक है, वह खाना खाकर सो गया, खाकर अंडरलाइन है आपका, तो खाकर मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें पूर्वकालिक क्रिया हो रही है, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया हो रही है कि वह खाना खाकर सो गया, इसमें पूर्व। 26वां प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, ठीक है, अघोष यहाँ पर बताना है, देखिए घोष और अघोष का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देखिए घोष का या घोषत्व का यहाँ पर मतलब क्या होता है, स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, तो यहाँ पर आपको अघोष बताना है, देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वो अघोष होते हैं, जिनमें कंपन होता है वह घोष होते हैं, तो हर वर्ग का आप ध्यान दीजिएगा, हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, तो क वर्ग का ये पहला वर्ड है, देखिए अक्षर व्यंजन कह सकते हैं, तो ये क्या है क अघोष है, और हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है और पहला और दूसरा अघोष होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 27वां प्रश्न है दोस्तों आप सभी सामने देखिए, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर सभी छात्र जवाब देंगे, आई थिंक सभी को यहाँ पर जवाब पता होगा, बहुत बार मैं ये सब प्रैक्टिस करा चुका हूँ, तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों देखिए जो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यर ल व, ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन है। ऋजु का विलोम होगा, ऋजु का विलोम दोस्तों क्या होता है, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, यहाँ पर वक्र होता है, ऋजु का वक्र होता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए सीरियल नंबर 29 पे क्या कह रहा है, ग्राह का विलोम शब्द है, ठीक है, ग्राह का विलोम शब्द यहाँ पर आपको बताना है, तो दोस्तों ग्राह का विलोम शब्द होता है त्याज्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, यहाँ पर रस आपको बताना है, एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मिगराए, विकल बटोही बीच हो पर यो मूर्छा खाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार का रस है, ये भय है, ठीक है, भय पैदा कर रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर ए, ठीक है, भयानक रस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भयानक है, ठीक है, ये सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, सही जवाब दोस्तों स्थायी भाव, ठीक है, स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, 32 देखते हैं क्या कह रहा है, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है, तो दोस्तों छंद से संबंधित जो गण हैं उनकी जो सही संख्या है वह टोटल 8 है, ठीक है, टोटल 8 है, ठीक है, जिसमें आप एक सूत्र है यमाता राज भान सलगा, ठीक है, जो ये एक सूत्र के जरिए आप याद कर सकते हैं, और जिसमें यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़ ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो टोटल ये 8 होते हैं। 33 देखते हैं, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए, पानी बिच मीन प्यासी मोही सुन सुने आवे हंसी, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी के बीच में मछली ही प्यासी है, एक प्रकार से ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 33 का देखिए यहाँ पर विशेषोक्ति है, ठीक है, पानी के बीच में मछली प्यासी है और विशेषोक्ति अलंकार है, ठीक है, जहाँ पर कारण के रहते हुए कार्य का न होना दिखाया जाए यहाँ पर अलंकार विशेषोक्ति अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो देखिए दोस्तों मैंने घर जाना था जो वाक्य में अशुद्ध अंश है यहाँ पर मैंने, ठीक है, ये मैंने नहीं होगा, मुझे घर जाना था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा भाई, मुझे घर जाना था, अशुद्ध वाक्य छाटना है। 35 देखिए, कृष्ण जी के अनेकों नाम है, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, ठीक है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, इसमें अशुद्ध वाक्य छाटना है, तो यहाँ पर आई थिंक आपने गेस कर लिएगा,
कृष्ण जी के अनेक नाम है, ठीक है, अनेकों नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर होगा अनेक शब्द होगा, ठीक है, अनेक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो दोस्तों दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होता है भाई दात्री, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 37 देखते हैं, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, सदा ही बहुवचन में कौन सा शब्द प्रयोग होता है, हमेशा बहुवचन में होता है, तो यहाँ पर दोस्तों 37 का यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी दर्शन, ठीक है, दर्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ठीक है, ये सही जवाब है। जबकि आपका घर प्रत्येक मुनि ये एक वचन में है और सदा बहुवचन में दर्शन है। गंगा हिमालय से निकलती है, वाक में रेखांकित शब्द में कारक है, तो दोस्तों देखिए गंगा हिमालय से निकलती है तो यानी अलगाव का भाद हो रहा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, बंदर पेड़ से कूदा, तो यहाँ पर क्या होगा अलगाव, जहाँ कहीं भी अलगाव होता है वहाँ पर अपादान होता है, ठीक है। 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, और यहाँ पर चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। वाचस्पति की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो समास है अलुक तत्पुरुष समास है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अलुक तत्पुरुष है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों 40वां प्रश्न देखिए आप सभी के सामने है, क्या कह रहा है भाई, समास के कितने भेद होते हैं, तो जैसा कि आप समास जानते हैं जिसमें आपका व्यय भाव तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व कर्मधार बहुव्रीहि, तो कुल टोटल 6 समास होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही होगा। 41 देखते हैं, 41 क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो यहां पर आप देख सकते हैं वृक्ष का पर्यायवाची आपको नहीं है बताना है, तरु विहग पादप द्रुम, सही जवाब है दोस्तों 44 का ऑप्शन नंबर बी विहग। और यहाँ पर बता दूँ कि देखिए यहाँ पर क्या होगा, विहग एक प्रकार से इसका जो पर्यायवाची है पक्षी का है, खग पंछी चिड़िया परिंदा, जबकि ये सभी तरु पादप द्रुम ये सभी आपके वृक्ष के पर्यायवाची हैं। फूल का पर्यायवाची चिन्हित करना है आपको, बताइए भाई फूल का पर्यायवाची क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए फूल का पर्यायवाची प्रसून होता है, ठीक है, यहाँ पर प्रसून फूल का पर्यायवाची है। और अगर फूल की पर्यायवाची की बात करें तो गोल सुमन कुसुम। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, टोटल 5 प्रकार की होती है, ठीक है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक पदार्थवाचक समूहवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक पदार्थवाचक और समूहवाचक। इसमें देखिए व्यक्तिवाचक क्या संज्ञा कह रही है, जहाँ किसी का नाम हो, ठीक है, वो क्या होता है व्यक्तिवाचक होता है, तो यहाँ पर यमुना एक प्रकार से ये नाम है, ठीक है, यमुना क्या है एक नाम है और ये व्यक्तिवाचक भाव यहाँ पर दे रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 यहाँ पर देखिए भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है, भूकंप, तो देखिए दोस्तों भूकंप क्या है, एक प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, भूकंप क्या है एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहते हैं, जो पत्रिका 15 दिन में एक बार छपती है तो दोस्तों उसको क्या कहा जाएगा, पाक्षिक पत्रिका, ठीक है, महीने में एक बार मासिक हो गया, वर्ष में एक बार वार्षिक हो गया, सप्ताह में साप्ताहिक हो गया, तो 15 दिन में पाक्षिक पत्रिका उसे कहते हैं। कामायनी के रचनाकार हैं, आई थिंक सभी छात्रों को सही जवाब पता होगा, रचना और रचनाकार से कामायनी, जी हाँ, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है, हवा में हस्ताक्षर दोस्तों जिस साहित्यकार की रचना है देखिए यहाँ पर है, वह है डॉक्टर कैलाशनाथ वाजपेयी, ठीक है, डॉक्टर कैलाशनाथ वाजपेयी जी की हवा में हस्ताक्षर ये रचना है। करुण रस में कौन सा काव्य गुण पाया जाता है, तो करुण रस में दोस्तों जो काव्य गुण पाया जाता है देखिए वो क्या होता है, इसमें एक माधुर्य गुण होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है माधुर्य, ठीक है, ये आपका करुण रस में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 52 देखिए, निम्नलिखित में से एक उत्तम लेखक बनने के लिए क्या करना चाहिए, दोस्तों एक उत्तम लेखक बनने के लिए क्या करना चाहिए, अध्ययन है, भ्रमण है, कल्पना है या उपरोक्त सभी, देखिए उत्तम लेखक बनने के लिए ये सभी चाहिए, अध्ययन भी होना चाहिए, कल्पना होना चाहिए, भ्रमण भी होना चाहिए, तरह तरह की चीज़ें आपको देख सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। घर का समाचार बताने हेतु पिताजी को पत्र कैसा पत्र है, ठीक है, अगर घर का समाचार हमें बताना है, पिताजी को पत्र लिखना है तो किस प्रकार से पत्र लिखेंगे भाई, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक सामाजिक पत्र होगा, ठीक है। पत्र लेखन संबंधी एक महत्वपूर्ण वीडियो मैंने बताया, टॉप 25 क्वेश्चन आप लोग को लोअर पिछले एग्जाम में दिया था, करीब 1,00,000 से ऊपर छात्रों ने देखा है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसी से प्रश्न पूरे पूरे बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय वर्णनात्मक निबंध का है, ठीक है, कौन सा विषय क्या है वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आता है,
तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखिए ताजमहल एक वर्णन करना है ना, वर्णनात्मक मतलब उसका वर्णन करना, ठीक है, ताजमहल का वर्णन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्णनात्मक ताजमहल का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी वर्णमाला में अंगा और अह क्या है, तो दोस्तों ये क्या है भाई, एक अयोगवा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 55 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 56 देखते हैं, दीठ का तत्सम रूप है, अगर हम दीठ का तत्सम रूप की बात करें दोस्तों, तो दीष्ठ का दोस्तों दृष्टि होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, दृष्टि होता है। लौह पुरुष में कौन सा समास है, लौह पुरुष, ठीक है। तो देखिए लौह पुरुष में देखिए यहाँ पर कर्मधारय समास है, यह लौह पुरुष में देखिए यहाँ पर कर्मधार समास, जिसमें आपका देखिए लौह पुरुष, ठीक है, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, 58, ठीक है, 58 देखिए यहाँ पर बताना है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर वर्तनी की दोष है और यह ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर शुद्ध है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है और इसमें वर्तनीगत दोष है, ठीक है। 59 देखते हैं, देखिए हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के 102 प्रश्न रहेंगे, पक्का रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड, ठीक है, कहा जा रहा है इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो भारत दुनिया सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। लास्ट प्रश्न देखते हैं, 60वां प्रश्न है, आज 60 प्रश्न टोटल लाए थे, पूरा फुल मॉक टेस्ट था आपका, बहुत ही बड़े प्रश्न है, आप देख सकते हैं वीडियो को, मतलब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और देखिए राजनीति ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया, ठीक है, इसका अगर अंग्रेजी अनुवाद करना होगा क्या करेंगे, राजनीति ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया, तो पहले तो आप लोगों ने कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए पॉलिटिक्स हैज रुइंड एजुकेशन, रुइन मतलब क्या होता है, रुइन मतलब बर्बाद करना होता है, ठीक है, पॉलिटिक्स हैज रुइंड एजुकेशन, ठीक है। तो ये था दोस्तों टॉप 60 फुल मॉक टेस्ट आज का आपका था, और डेली रात को ऐसे ही 8 बजे आपके यूपी ट्रिपल एससी जूनियर सेशन लोअर पे बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की, यहाँ पर समीक्षा अधिकारी की मॉक टेस्ट हिंदी कराए जाते हैं और 3 बजे आपका होता है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत ही कुछ सीखने का आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, 1 महीने से कम का समय आपके पास बताओ, आपका जो भी है जूनियर सेशन वालों के लिए बचा हुआ है, बिल्कुल जी जान लगा दीजिए आपको सिलेक्शन पाना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बचता है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।